अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खरीत से होंगे। अगर नहीं तो जाकर डॉक्टर को दवाई ले लो। रमजान ना महीना रोजे रख रख के कमजोर हो चुके सो। तो बाकी आज जी वीडियो है ना वो देसी 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 जबान में काफ़ी बनया है। तो पंजाबी बोलना मकसद ये है कि अद्धी उर्दू अद्धी पंजाबी, स्वाद तो यही है, गप होनी चाहिए नहीं है। तो गाइस अभी मुझे जो है ना पार्सल वाले की कॉल आ गई है, अभी उसके पार्सल लेने जाना है। तो उसने कहा है कि 2-4 मिनट तक मैं आ जाऊंगा, तो उसके उससे पार्सल रिसीव कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं पार्सल रिसीव करने। पार्सल जो है ना रिसीव हो गया, ये मेरे पास पार्सल आ चुका है। तो अभी जाके ना शॉप पे अनबॉक्सिंग करते हैं, चेक करते हैं क्या क्या आया है। पार्सल रिसीव हो गया, पार्सल आया है कराची फोटो नियर मोइज मस्जिद फ्लावर चौक रावलपिंडी। अगर आप ही कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर लिखा हुआ है इनकी शॉप का। ये कस्टमर के साथ बहुत अच्छा डील करते हैं। तो अभी इसको जो है ना अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि ये TCS से ज़रिए से मुझसे रिसीव हुआ है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। एक जुगाड़ तो लगा लिया है ट्राईपोड के ज़रिए, अभी इसको ओपन कर लेते हैं। ये माउंट मंगवाया मैंने, काफ़ी क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। ये माउंट जो है ना मुझे मिला है अभी। तो अभी इससे फायदा बेनिफिट ये होगा कि ट्राईपोड मेरे पास है, उसके साथ माउंट नहीं था। अभी मैं उसे ट्राईपोड के साथ माउंट लगा देता हूँ, तो बाकी वीडियो की ओपनिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो अभी जो मैंने लगा लिया है माउंट, जो माउंट मेरा निकला, अभी जो वो दूसरी चीज़ है टेपिंग, तो कमाल की हुई है उन्होंने, लेकिन हमारे पास भी औजार है। कैंची इस्तेमाल कर लें, कोई मसला तो नहीं है। कोई चुम्मी शुम्मी ले लें तो मसला तो नहीं है। ये अभी मेरा माइक निकल आया है, इसके साथ जो है बिल भी बना हुआ है, जो जो प्राइस लिखी हुई है टोटल बिल बना हुआ है, ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। ये देख लें, नीचे माइक की मैं कीमत भी बता देता हूँ और माउंट की भी कीमत बता देता हूँ। तो ये कल मुझे मैंने पार्सल जो है ना मैंने प्लेस किया था, तो आज मुझे पार्सल मिल भी गया और डिलीवरी जो है ना इनकी बहुत फास्ट है। तो अभी इसको ओपन करते हैं। तो ये बोया का है MM1 2 ईयर वारंटी है बोया का MM1। इसको अभी जो है ना ओपन कर लेते हैं, इसमें चेक करते हैं और दूसरा इसके साथ जैक वगैरह जो होगा वो भी चेक कर लेते हैं। ओपन करते हैं इसको, मैंने इसे उल्टा ओपन कर दिया है। इसके साथ ये एक जैक है, जैक लिए है, इधर से आपको क्लियर नज़र आएगा, ये कैमरे के लिए, और ये इधर इन्होंने लिखा हुआ है फ़ोन के लिए ना। ये अभी आपको क्लियर हो गया, ये फ़ोन के लिए। इसके साथ ये जो है ना लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, जब आप किसी जगह हवा में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, शोर शराबा हवा में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये नॉइज़ को कम कर देता है। ये बहुत कमाल की चीज़ है। असल इस मकसद के लिए मैंने माइक मंगाया है, और माइक ये निकाल लेते हैं। ये माइक आ गया बोया MM1, वेट भी काफ़ी अच्छा है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे। ये इसके साथ जो है जैक है, इधर ये लग जाएगा, ऐसे ये लग जाता है। इसके साथ एक पाउच दिया है जो इसको सेव रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो अभी जो है ना इसके साथ हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कैसी इसकी वीडियो है। अनबॉक्सिंग तो हो गई है, काफ़ी कमाल की चीज़ थी। तो अभी जो है ना इसको लगा के चेक करते हैं, फिर आपको इसकी जो है ना ऑडियो से जो है ना क्लियर पता चल जाएगी। तो गाइज़ अभी जो है ना रिकॉर्डिंग मेरी हो रही है वो BOYA M1 के मैक से साथ रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी आपको आवाज़ के की क्वालिटी जो काफ़ी बेहतर होगी क्योंकि पहले जो मेरी क्वालिटी होती थी वो वॉइस की बहुत कम हुआ करती थी, कि मतलब शोर ज़्यादा महसूस होता था और जो है ना मेरी वॉइस बहुत कम आया करती थी। तो अभी आप देख लेंगे, मैं शॉप पे हूँ और शॉप पे आपको पता है रोड पे काफ़ी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, शोर वगैरह भी काफ़ी होता है, तो इस वजह से जो है ना इसकी नॉइज़ बहुत कम हो चुकी है, आवाज़ की क्वालिटी जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और अभी जो मेरे व्लॉग आएंगे उसकी भी क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि पहले जो साउंड था ना वो मज़े का नहीं आता था। देख लें, यहाँ पर जो है ना रोड है और गाड़ियाँ भी काफ़ी गुजर रही हैं, उनका जो नॉइज़ है ना वो आपको महसूस होगी, लेकिन यह है कि जो है मेरे वॉइस की क्वालिटी भी जो है ना वो अच्छी क्वालिटी के साथ महसूस होगी। तो आज की जो वीडियो थी वो मैंने आपको पहले बताया था कि ये सरप्राइज़ है, ये सरप्राइज़ यही था कि मैंने माइक मंगवाया हुआ है और उसके साथ माउंट मंगवाया हुआ है। तो अब मेरी जो वीडियो की क्वालिटी होगी वो काफ़ी बेहतर होगी। ये देख लें, ऊपर लगाया हुआ है माइक मैंने और ये दुकान से शीशा निकाला है जिससे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऊपर मैंने माइक लगा लिया है। ये माउंट जो मैंने लिया है वो माउंट भी लगा दिया, ये ट्राइपॉड मेरे पास था तो वो मैंने अभी जो है ना लगा दिया। तो अब मेरी वीडियो की वॉइस की क्वालिटी जो है ना काफ़ी बेहतर होगी, इंशाल्लाह कामयाबी हुई, बेनिफिट मिला, तो मैं जो है आईफोन से भी वीडियो बनाऊंगा। अभी तो सैमसंग का ये 31 का फ़ोन है वो उससे बना रहा हूँ, इसकी भी वीडियो क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये है जो है इसमें स्टेबलाइज वीडियो नहीं होती। तो जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ ना तो थोड़ी सी वीडियो जो है शेक होती हैं, तो जो है ना दूसरा आईफोन का उसकी वीडियो शेक नहीं होता, उसमें जो है ना गिम्बल जैसे ना स्टेबलाइज ऑप्शन होता है, तो उससे आप स्टेबलाइज ओपन कर लेना तो वीडियो आपकी शेक नहीं करती। तो दोस्तों इंशाल्लाह ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलो अल्लाह अल्लाह सोने दे वाले। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को वो मैं साथ लगाऊंगा कि कैसे अपने चैनल को सब्सक्राइब के लिए बोलता है। तो इस टू चैनल माय मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और आने वाली सब वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।